सुगज मेरा नाम परमजीत और आप देख रहे हैं टॉप आज दोस्तों। आज की इस वीडियो में बताने वाला दोस्तों, यदि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का वर्चुअल डेबिट कार्ड अगर आप यहां पे गलती से ब्लॉक कर दिए तो दोस्तों आप यहां पे इजीली नाम से 2 मिनट के अंदर दोस्तों आप यहां पे अनब्लॉक कर सकते अपने आईपीपी ऐप मोबाइल बैंकिंग द्वारा से एप्लीकेशन से। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अनब्लॉक कैसे करना है वर्चुअल डेबिट कार्ड को इस वीडियो को शुरू लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी भाई जरूर दबाना। आपको यहाँ पे नए नए वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी चैनल पर सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे वीडियो नोटिफिकेशन आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे आईबीपी ऐप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा, जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही एप्लीकेशन को ओपन कर चुका हूँ। उसके बाद थोड़ा सा पेज को ऊपर करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखो रुपए डेबिट कार्ड, आपको यहाँ पे इसी वाले ऑप्शन वाले पर ही क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे इसका ऑप्शन क्लिक करेंगे, जो भी आपका यहाँ पे अकाउंट होगा दोस्तों आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। जिस भी जैसे कि आपका करेंट अकाउंट होगा या सेविंग अकाउंट, दोस्तों यहाँ पे मेरा दो अकाउंट, एक करेंट अकाउंट एक सेविंग अकाउंट है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं करेंट अकाउंट को सेलेक्ट इसी वाले ऑप्शन पे एक बार आपको यहाँ पे टैप करना, ठीक है। इसको एक बार टैप करो, जैसे इसको ऑप्शन क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखो भाई यहाँ पे अनब्लॉक वर्चुअल डेबिट कार्ड। अगर आप यहाँ पे भाई गलती से ब्लॉक कर दिए होंगे यानी वर्चुअल डेबिट कार्ड को, तो दोस्तों आप इजीली नाम से यहाँ पे अनब्लॉक कर सकते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड को। तो दोस्तों आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले और भाई आपको यहाँ पे परमानेंट ब्लॉक वाले ऑप्शन पे अगर भाई गलती से भी मत क्लिक करना। अगर आप यहाँ पे परमानेंट के लिए भाई अगर आप यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं तो दोस्तों फिर से आपको यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा और आपको 25 रुपीज़ फिर आपको यहाँ पे चार्ज लगेगा। तो मैं आपसे ये विनती करूँ कि अगर आप यहाँ पे गलती से भाई यानी फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करके ब्लॉक कर दिए होंगे टेम्पररी के लिए, तो दोस्तों आप यहाँ पे इजीली नाम से यहाँ पे अनब्लॉक कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा अनब्लॉक वर्चुअल, आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रीजन डालना, ठीक है। रीजन में आपको यहाँ पे कुछ भी डाल सकते, चलो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अनब्लॉक, ठीक है। अनब्लॉक जो भी भाई आपको अनब्लॉक डेबिट कार्ड या वर्चुअल डेबिट कार्ड लिख दो, ठीक है। चलो मैं डेबिट कार्ड लिख देता हूँ, डेबिट कार्ड, ठीक है। मैं डेबिट कार्ड लिख दिया हूँ इस टाइप से आपको, और मैं कंटिन्यू क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू क्लिक कर देने बाद दोस्तों यहाँ देखो रिमार्क मांग चुका है, आपका कार्ड नंबर आ गया लास्ट का 4 डिजिट और उसके बाद लास्ट शुरुआती अक्षर आपको 6 डिजिट, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाएगा, आपको कन्फर्म क्लिक करना होगा। जिस ही कन्फर्म क्लिक करेंगे जो भी आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट से मोबाइल में लिंक होगा उस पर 6 अंक OTP जाएगा। तो दोस्तों मैं चलो यहाँ पे मैं अपना OTP डाल देता हूँ। चलो भाई यहाँ पे देखो OTP आ चुका है 6689 है, देख लो आपके सामने डाल रहा हूँ जो भी है लाइव प्रूफ साथ 1789 यहाँ पे डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे भाई यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आप देखो वर्चुअल डेबिट कार्ड अनब्लॉकेड हो चुका है सक्सेसफुली। चलो आपको गो टू होम पे क्लिक करो और चलो भाई यहाँ देखो मैसेज भी आ चुका है और अनब्लॉक हो चुका है। फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, डेबिट कार्ड पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी अकाउंट है, चलो मैं थोड़ा सा एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे दोस्तों आप इस पेज को रिफ्रेश कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपका जो भी अकाउंट का अनब्लॉक किए हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड को फिर सबको एक बार टैप करना हो। चलो मैं करेंट अकाउंट को टैप कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप देखो भाई यहाँ पर आपको देखिए आपको यहाँ पे अनब्लॉक आपको नहीं आ रहा ऑप्शन, ठीक है। क्या चीज़ नहीं आ रहा, अनब्लॉक आपको ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि आपका ये कार्ड अनब्लॉक हो चुका है। अगर आप यहाँ पे गलती से ब्लॉक वर्चुअल डेबिट कार्ड पे क्लिक कर दिए होंगे ब्लॉक अगर भाई यहाँ पे गलती से कर दिए होंगे तो दोस्तों जैसे जैसे मैं आपको बताऊँ कि आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपको अनब्लॉक कर देना होगा OTP डाल के, आपको इजीली आपसे यहाँ पे अनब्लॉक हो जाएगा। और आपको यहाँ पे अनब्लॉक हो जाना फिर से आपको पेज खोलना, ठीक है। उसका आपको अपना जो भी आपको कार्ड नंबर होगा तो व्यू डिटेल्स कार्ड बने में क्लिक करके जो भी आपका 4 डिजिट का MPIN होगा IPP आपको वो MPIN डालेंगे, आपको कार्ड नंबर पूरा डिटेल्स दिख जाएगा, ठीक है। और मैनेज लिमिट वाले क्लिक करके देखो आप मैनेज का लिमिट भी देख सकते हो, ठीक है भाई। तो सिंपल सी फंडा भाई, मेरा यहाँ देखो कार्ड अनब्लॉक हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी भाई जरूर दबा देना। आपको यहाँ पे नए नए वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी चैनल पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन का वीडियो मिलता रहेगा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करो ये जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड तक, वो भी सीख पाए कि वर्चुअल डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड को अनब्लॉक कैसे करें। तो चलते दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।